दुनिया तक देख रहे हैं आप। मैं हूं मधुर। छोटे से ताइवान ने दुनिया पर अपना राज कायम करने के हवाई सपने देखने वाले ड्रैगन चीन के सामने बड़ी हिम्मत दिखाई है। मौका था 10 अक्टूबर को आने वाले ताइवान के राष्ट्रीय दिवस समारोह का और जुबानी जंग का मैदान बना भारत। ताइवान ने चीन को भारत में गेट लॉस्ट यानी दफा हो जाओ कह दिया। ऐसा क्यों हुआ ये हम आपको बताते हैं। हुआ ये कि चीन की भारत में हिमाकत इतनी बढ़ गई कि भारतीय मीडिया को ही निर्देश देने लगा कि ताइवान का नेशनल डे मनाकर या उसके नेशनल डे के समारोह को दिखाकर ताइवान को मान्यता ना दी जाए। हमारे घर में हम ही को रौब दिखाने की ये नाकाम कोशिश हुई भारत में स्थित चीन के दूतावास की तरफ से। बस फिर क्या था, भारत में खुद को महफूज समझने वाले ताइवान ने चीन को ऐसा जवाब दिया जो चीन की आने वाली कई पुश्तें याद रखेंगी। चीन की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया, चीनी दूतावास आने वाले कथित ताइवानी राष्ट्रीय दिवस के बारे में भारतीय मीडिया को याद दिलाना चाहेगा कि दुनिया में केवल एक ही चीन है और चीन की सरकार ही पूरे चीन का आधिकारिक प्रतिनिधित्व करती है। ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है। चीन की तरफ से भारत को वन चाइना पॉलिसी पर साथ देने के वादे की याद दिलाई गई। चीनी दूतावास ने अपने पत्र में लिखा कि इन तथ्यों को संयुक्त राष्ट्र भी मानता है और इस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक राय है। चीन के साथ कूटनीतिक संबंध रखने वाले सभी देश वन चाइना पॉलिसी को सम्मान देते हैं। भारत सरकार का भी लंबे समय से यही आधिकारिक मत रहा है। इस लेटर के जवाब में ताइवान के विदेश मंत्रालय ने एक लेटर ट्वीट किया। इस ट्वीट में विदेश मंत्री जोसेफ वू ने चीन से कहा कि इस पत्र के जवाब में भारत में ताइवान के दोस्त चीन को गेट लॉस्ट यानी कि दफा हो जाओ ही कहेंगे। ताइवान की तरफ से चीन को दिए गए संदेश में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसकी प्रेस विविधता से भरी है और स्वतंत्रता पसंद करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि कम्युनिस्ट देश चीन भारत में सेंसरशिप लागू करना चाहता है। ऐसे में ताइवान के भारतीय दोस्तों के पास चीन के लिए एक ही जवाब होगा, गेट लॉस्ट। चीन के लिए ताइवान की तरफ से ऐसा जवाब करारी बेइज्जती है। ताइवान और चीन के बीच लंबे समय से तनाव गहराता जा रहा है जिससे दोनों देशों के बीच जंग के भड़कने की आशंका तेज हो गई है। चीन पिछले महीने के आखिर में ही करीब 40 बार ताइवान की सीमा के पास अपने लड़ाकू विमान भेज चुका है। इसके जवाब में ताइवान ने भी चीन के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी थी। ताइवान की राष्ट्रपति ने सेना की तैयारियों का जायजा लिया और ताइवानी एयरफोर्स ने ड्रैगन पर हमले का जोरदार अभ्यास किया। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच भी संबंध मधुर नहीं है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन वन चाइना पॉलिसी में हांगकांग का हाल देखकर ताइवान और सतर्क हो गया है और अपनी स्वतंत्र पहचान के लिए पहले से और मुखर हो गया है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेन ने चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए दुनिया के देशों से एकजुट होने की अपील की थी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक दूसरे बयान में कहा था कि चीन लगातार उकसाने वाली गतिविधियां कर रहा है जो शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है। एक छोटा सा देश दुनिया की महाशक्ति को खुली चुनौती दे रहा है, वो भी छोटी मोटी चुनौती नहीं, जड़ से उखाड़ फेंकने की चुनौती। दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए दुनिया तक।